ये थोड़ा बड़ा स्विमिंग पूल है अपनी सोसाइटी का। हाँ जी, ये बड़ा वाला है ना। कैसे जाएंगे? सीधे चलना है, अभी तो इस पे नहीं जाना, ये वाला नहीं आगे वाला है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग हो रहा है बेसमेंट से शुरू, और क्योंकि अपन जा रहे हैं एक जगह और पूरा बेसमेंट पानी से भरा हुआ है, क्योंकि सुबह से कंटिन्यूस बारिश पड़ रही है। बारिश सुबह से क्या, कल से ही कह सकते हो आप, कंटिन्यूस बारिश पड़ रही है। ये देख लो बचपन भाई, इतनी बारिश पड़ रही है कल से, बढ़िया एकदम। देख रहे हो सोसाइटी भरी हुई है, और अपन भी बिल्कुल जितना कॉर्नर में हो सकता है उतना कॉर्नर से निकल रहे हैं। सो यार फिलहाल अपन दोनों जा रहे हैं बाहर मार्केट सामान लेने, एंड बाहर सामने मौसम देखो, बारिश पड़ रही है और ये कंटिन्यूस सुबह से बढ़ रही है। अब पता नहीं हमें कहाँ कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, लेट्स सी। और अपन आराम से जा रहे हैं दोनों को, हमें तो पहले बात तो हमें महाशिवरात्रि का कुछ काम दिया है मम्मी ने, वो सामान लेना है, और क्या है, और एक एटीएम जाना है हम लोगों को, वो काम है। तो फिलहाल अपन आराम से जा रहे हैं, और मौसम ने मज़ा बनाया हुआ है, सामने ग्रीनरी, सारे पेड़ हरे भरे हो चुके हैं बारिश की वजह से। चल रहे हैं अपन धीरे धीरे। सबको बोलूंगा मैं, बारिश में किनारे पे मत चलाए करो कुछ भी हो, खासकर साइकिल बाइक वाले। अभी जो आपने देखा ना, बेचारे एक अंकल जी जा रहे थे और कोई गड्ढे में साइकिल आ गई होगी, गिर गए। तो प्रेफर यही करना कि बारिश में कभी भी कॉर्नर में ना चलो, बीच में चलो, और खासकर किसी गाड़ी वाले या ट्रक वाले के पीछे देख लो पहले, रास्ता साफ है, गड्ढे तो नहीं है, वरना ऐसे यार बहुत चांसेस है गाड़ी में, क्योंकि पता नहीं चलता, पानी भर जाता है, कहाँ गड्ढा है कहाँ नाला है। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से चलाया करो, मानसून चल रहा है तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखा करो, खासकर साइकिल बाइक वाले। एंड फिलहाल अपनी रोडें तो बंद हो गई हैं, और ऐसे धीरे धीरे ये कांवड़ियों के लिए लगा रहे हैं टेंट वगैरह। देख लो यार सामने कितना पानी भर रहा है, हद से ज़्यादा। गाड़ी का गेट खोल के अब अंदर से बंद किया उसने, और यहाँ सुसु कर रहे साइड में। ऊपर को जाना चाहिए, वैसे हमें पुल पे से आना चाहिए था, यू टर्न लेके स्विमिंग पुल में से ही तो जा रहे हैं अभी भी। जाए कहाँ कहाँ बारिश से पानी भर गया है, तो आगे पानी भर रहे क्या? हाँ शायद। हाँ
ऐसा लग रहा है वही रास्ते दिखा रहे हैं, जहाँ पानी है वहीं जा रहे पर ऐसा नहीं है, हमें जाने इधर है। ये वाला मीम बना देगा मेरे साथ, ये उठा लेगा बाइक वाले मजे ले रहे सबसे ज्यादा तो। वाटर टेस्टिंग यार, हद से ज्यादा पानी भरा हुआ है। हमने सोचा आपको अपडेट दे देते हैं कि कहाँ कहाँ पानी भर रहा है, गाजी बात है। वैसे कुछ फायदा होगा नहीं क्योंकि सेम डे में ब्लॉग डालता नहीं हूँ। अगेन पानी पानी सब जगह पानी पानी भरा हुआ है, बिकॉज कल से कंटिन्यूस बारिश पड़ रही है। तो फिलहाल टाइम 5 बज रहे हैं एंड कल से अच्छी खासी बारिश पड़ ही रही है। आप लोग देख ही रहोगे, आपके यहाँ भी पड़ रही होगी, बट गाजियाबाद में तो नॉन स्टॉप कल से पड़ रही है एंड अभी भी फिलहाल थोड़ी बहुत कभी कभी सिजलिंग शुरू हो जाती है। बट हम जब से घर से निकले हैं अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं जहाँ हमें सामान लेने जाना है। हमें बताया था जैसे पहले भी, एक पूजा का सामान लेने जाना है, शिवरात्रि आएगी तो उसका सामान लाना है, फिर एटीएम भी जाना है। सेंट्रल बैंक का एटीएम मिल जाए तो अच्छी बात है, जल्दी मिल जाए तो। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं जिस दुकान पर हमें आना है। इस दुकान का नाम ये है गोपाल जी ड्रेस वाला। तो आप उधर जाओ पहले, क्योंकि उधर पानी भर रहा है तो मैं दबा दूंगा। और इसके रेट भी अच्छे हैं और सामान भी बढ़िया है, तो बट रेट रीजनेबल है, अच्छे हैं। और हम मोस्टली इसी से ही ले जाते हैं, 90% ज़्यादातर इसी से ही शॉपिंग करते हैं पूजा की। एंड अभी फ़िलहाल अपन जा रहे हैं एक स्वीट की शॉप पर, मिठाई लेनी है हम ऐसे ही नॉर्मली। कल मम्मी को प्रसाद में चढ़ानी है इसलिए लेनी है, कुछ और मत समझना। तो अभी बेल्ट नहीं लगाई मैंने क्योंकि पास में ही जाना है, इसलिए बेल्ट की आवाज़ आ रही होगी आपको। एंड यही पास में अब आ गए हैं अपन नकुल भाई की शॉप पे, यहीं से हमारी सारी घर की स्वीट्स जाती हैं। और यहीं पे ही देख लो कितनी भीड़ है, बढ़िया काम चलता है भाई का, टच वुड नज़र ना लगे भाई को। तो अभी फ़िलहाल यहीं से अपन मिठाई लेंगे और कार पार्क कर देते हैं, पहले मिठाई लेंगे फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। सो यार अपन ने सामान ले लिया है, मिठाई ले ली है मम्मी के लिए, प्रसाद के लिए, और अब बस जा रहे हैं एटीएम, फिर निकलेंगे घर सीधा। सो आज का मौसम तो यार ऐसा है कि बारिश अब भी पड़ी रियल के, देखो आपको शीशे पे समझ में आ रहा होगा, मैंने वाइपर चलाया हुआ है स्लो पे, पर हाँ बूंदे पड़ रही हैं एंड सारे गाजियाबाद में पानी भरा हुआ है। तो अपन निकल रहे हैं और फिर घर जाएंगे, घर जाके आपसे मिलते हैं। इतने आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए हो। सो अपन सारे कामों से फ्री हो गए हैं, अपन ने सामान भी ले लिया, जो जो चाहिए था वो भी ले लिया एंड अपने एटीएम से भी फ्री हो गए। और अब वापस जा रहे हैं घर पे और अब सीधा मिलते हैं आपसे घर पे, और आप टाइम लैप्स एंजॉय करो जितने मैं घर पहुँचता हूँ। क्या हो गया? लगा जाएगा क्या? नहीं लगा तो नहीं, रिकॉर्ड कर लेते क्या? हाँ अभी स्टार्ट ही किया था। अभी एक पीछे रिक्शा वाला था, उसने मतलब वो था कोई गैस सिलेंडर वाला, तो भाई साहब जी ने खड़ी गाड़ी में पीछे से आके मार दी। वो तो खैर कुछ हुआ नहीं, कार में उतर के देख लिया मैंने, पर जैसे मैं उतर के गया बोलता आपने एकदम ब्रेक लगा ली, और मैं भी एकदम ब्रेक लगाई तो लग गई। कहता एकदम ब्रेक मार दिया आपने, मन कहा यार खड़ी गाड़ी में तो उन्हें मारे और तो सामने झूठ बोल रहा है। मन कहा मैं तुझे तब भी कुछ नहीं कह रहा, वैसे भी कुछ नहीं कह रहा, और गाड़ी खड़ी करेगा तो होगी 5-10 सेकंड। हाँ, और नुकसान, चलो नुकसान तो हुआ भी नहीं, और पहली चीज होता भी तब भी मैं क्या कर लेता, बुजुर्ग आदमी था, पर बैठ उतरते ही बोलता आपने एकदम ब्रेक लगा लिए तो मुझे भी एकदम लगाने पड़े। अरे कम से कम सच तो बोल लो। चलो कोई नहीं, सड़क पे चीजें होती रहती है, तो यही बोलूंगा मैं आपको कि थोड़ा सा ध्यान रखो एंड ये वाला रूट दिखा दो पूरा कैसे कांवड़िया, जो कांवड़िया यात्रा शुरू हो चुकी है वैसे तो, बट अभी इधर इतने कांवड़िया पहुंचे नहीं है, अभी पीछे ही है, पीछे इन द सेंस हरिद्वार साइड से आ रहे हैं। तो ये ऐसे कांवड़ियों के लिए स्टे के लिए रात के लिए बनाए हुए हैं, वो वाली पूरी रोड बंद हो जाएगी 1-2 दिन बाद, और मेरे ख्याल से बंद ही होने वाली है क्योंकि बीच के कट तो सारे ही बंद कर दिए। और हमारे लिए सबसे बेनिफिट ये है कि हम लोग यहीं पे आके पास में ही देख लेते हैं और यहीं सेवा कर लेते हैं भोले बाबा की,
और लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी और बहुत सुंदर सुंदर कागज़ होते हैं। हाँ, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम इसलिए देखी थी क्योंकि ये लोग राजस्थान में ज्यादा रहे हैं तो उधर इतना क्रेज है नहीं, क्रेज तो है बट उधर इतना ऐसे किया नहीं जाता और इतना भीड़ नहीं होती ना। हाँ, भीड़ भी नहीं होती क्योंकि मेन रोड तो यही है, तो इसलिए अब अपन भी जब आएंगे तो जरूर यहाँ पर आपको दिखाएंगे धीरे धीरे आगे सारी कांवड़ की यात्रा कैसे होती है। बहुत पैदल भी लाते हैं और बड़ी बड़ी विशाल कांवड़ भी लाई जाती हैं और डाक कांवड़ भी, अगर आपने सुनी हो तो डाक कांवड़ भी होती है। तो देख लो ये कट भी बंद कर दिया है, ये कट भी खुला रहता है, अपना कट है ये नियर बाई पास वाला, ये भी बंद है। आगे दिखाऊंगा वहां पर पूरा पुलिस वालों ने अपना सेटिंग बनाया हुआ है अच्छा फॉर सेफ्टी फॉर कांवड़ियास और मौसम अच्छा हो रहा है तो जो भी पैदल यात्रा कर रहे होंगे उनके लिए तो सच में अच्छा मौसम है। देख लो पीछे पंडाल लगे हुए हैं, ऐसे ही लगे रहते हैं, ये जो बीच में बना हुआ है यहाँ पर सब पुलिस वाले और नॉर्मल सिविलियंस भी हैं जो काफी हेल्प करते हैं। इधर ये भोले जा रहे हैं जल लेने। सो यार फाइनली वी आर इन बेसमेंट और जो काम हमारा नॉर्मली आधे घंटे में हो जाता है वो आज एक तो पानी हद से ज्यादा भर रहा था एंड कट भी काफी बंद किए हुए हैं एंड अब आपको मिलते सीधा ऊपर घर पे। ये देख लो मम्मी बढ़िया डोसा बना रही है एकदम गोल गोल बड़े बड़े एकदम टेस्टी टेस्टी और इसमें बैटर है। सुबह से हम पूरा खत्म कर चुके हैं इसे और ये देखो सांभर बना हुआ है एंड इसमें मसाला जो नहीं इसमें तो चटनी है टमाटर की। सॉरी टाइम से पहले खत्म हो गए बिकॉज लंच में भी अच्छा सही है लंच में भी यही बने थे ना। साथ में देखो मसाला भी है एंड ये सांभर और ये टमाटर की चटनी होती है ना एंड डोसा। सच में घर का डोसा मुझे इतना पसंद है और आज बहुत दिनों बाद बनाए तो आज हम पेलेंगे दबा के मजे से खूब सारे खाएंगे। सो यार डिनर भी हो गया एंड अपन ने डोसे खा लिए अच्छे खासे, पेट भर गया आज से ज्यादा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्लीप और आप भी सो जाओ। सो मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट व्लॉग में एंड जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो स्टे हेल्दी स्टे सेफ गुड नाइट बाय बाय टाटा।